नमस्कार मित्रों, राजस्थान पटवारी एग्जाम के लिए आपका फाइनली प्रेस नोट है वो जारी हो गया है और इसमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। और यहाँ पर आप देखिए, आज ही की ये विज्ञप्ति है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई और इसमें 4421 टोटल पोस्ट हैं। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा और इस 4421 पोस्ट पर यहाँ पर आप देखिए 10 जनवरी 2021 रविवार ऑफलाइन एग्जाम है, इसका कार्यक्रम आपका स्टार्ट हो रहा है। और ये सभी जो आवेदन में अंकित अभ्यर्थियों के नाम है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। जैसे किसी का नाम ए पर है तो उसका एग्जाम 10 जनवरी 2021 को होगा, ए से लगाकर सी तक के, ठीक है, डी से जे तक के 10 जनवरी को इवनिंग वाले शिफ्ट को होगा। यानी कि संडे को दो एग्जाम होंगे, प्रथम पारी में 8:30 बजे से 11:30 बजे और द्वितीय पारी में 2:30 बजे से 5:30 बजे, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। और बाकी अगर किसी के नाम के आगे जैसे डॉक्टर लिखा हुआ है, श्रीमती लिखा हुआ है, श्रीमान लिखा हुआ है, तो जैसे डॉक्टर वाला नाम है कोई डॉक्टर राकेश, तो वो आर के अकॉर्डिंग उसका एग्जाम है वो नहीं होगा। पहले जो डी लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसका एग्जाम है वो होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये 24 जनवरी 2021 तक आपका एग्जाम का जो शेड्यूल है ये इन्होंने जारी किया है। और यहाँ पर आप इसको स्मरण भी इसका देख सकते हैं कि कुमारी है, मिस है, मिस्टर्स है, श्री है, श्रीमती है, डॉक्टर है, ये अगर आगे लगे हुए हैं तो यहाँ पर कुमारी है तो के से उसका एग्जाम है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। के वाले इस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, के किस में है, के टू एम है, तो इसका 17 जनवरी को प्रथम पारी में होगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भी आपको लग रहा था कि किस प्रकार से अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होगा या कैसे क्या होगा, तो वो फाइनली तस्वीर स्पष्ट हो गई है। अपनी तैयारी पर लगे रहे। और जो मित्र ऐसे भी सोच रहे हैं कि जो JEE का एग्जाम है वो अगर रद्द हुआ तो पटवारी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो उसका पटवारी भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसका शेड्यूल निश्चित है, जारी हो गया है और कॉलेज को भी अपने जो भी एग्जाम करवाना है उसके लिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। तो ये स्पष्ट आपको हो जाना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी है वो जारी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो राजस्थान GK और कर्मचारी चयन बोर्ड के विभिन्न जो पुराने पेपर्स है RPSC के, तो उन सभी में जैसे आपके पटवारी में हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इसके अकॉर्डिंग राजस्थान GK, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनसे जो JEE के एग्जाम हो रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 90% तक के सवाल हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो पुराने जो पेपर्स हैं उनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को लाइव सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।